हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आप जैसे स्लाइड पे देख सकते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से निकल के आ रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसमें जानने के कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ है दोस्तों। दोस्तों, काफ़ी लोग को पता नहीं चलते, तो दोस्तों मैं इसकी डिटेल आज मैं बताने वाला हूँ। इसकी ऑफिशियल साइट पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसकी डिटेल बताने वाली कौन कौन से दोस्तों वैकेंसीज आई हुई है। तो काफ़ी जगह से वैकेंसीज आई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड पर, उड़ीसा, गुजरात, और आपकी जो दोस्तों मेंटेनेंस इंचार्ज की है गुजरात में, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है। तो मैं दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो दोस्तों आप लोग ज़रूर भरें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा में है आपकी दोस्तों, उड़ीसा में SH ऑटोमेशन की दोस्तों, SS मैकेनिकल CRM की उड़ीसा में। तो काफ़ी सारी वैकेंसी, मार्केटिंग में भी वैकेंसीज है दोस्तों, सुपरवाइज़र अकाउंट्स ओवरहेड्स की भी वैकेंसी है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है दोस्तों, तो आप लोग काफ़ी भरे इसको, और अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो दोस्तों काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाती है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, जैसे लीड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की दोस्तों वैकेंसी आई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें दोस्तों क्या जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई है, तो की रिजल्ट्स और अकाउंटेबिलिटीज़ में बताई गई है दोस्तों। इसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो सपोर्टिंग एक्शन इसमें क्या करें, पार्ट ऑफ द टीम बननी है आपको दोस्तों न्यू प्रोडक्ट्स की इवैल्यूएशन करने में, और न्यू ग्रोथ एरियाज इन रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल्स एक्सेट्रा। तो आपको क्लोजली टीम में काम करनी है, स्ट्रैटेजी टीम दहेज प्लांट एज अ सोच प्लांट में, और दोस्तों इसमें बिजनेस केस प्रिपेयर करनी है, प्लान फॉर रिसोर्सेज टू गेट इंटरनल अप्रूवल, इम्प्रूव इन प्रोडक्ट ट्रायल। तो काफ़ी सारी है फॉर स्पेसिफिक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी है लीड मार्केटिंग इनिशिएटिव की। तो और एक्सप्लोर द टेक्निकल नो हाउ, तो आपको सारी कुछ करनी है, ट्रैक एंड मॉनिटर न्यू प्रोजेक्ट, OFC टॉलिंग आउटसोर्सिंग एक्टिविटी को भी देखनी है। और दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन तो मांगी गई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मांगी गई है। तो जिसने भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में अपनी दोस्तों कोर्स किए तो वो लोग भरे। और दोस्तों इसमें तो मिनिमम एक्सपीरियंस लेवल मांगी गई है, वो 3 से 5 साल मांगी गई है। तो 3 से 5 साल जिनको है एक्सपीरियंस दोस्तों, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी परेशानी तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके दोस्तों अप्लाई फॉर दिस जॉब में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें दूसरी वैकेंसीज, तो हम लोग देखते हैं, और सुपरवाइज़र अकाउंट्स ओवरहेड्स की है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो इसको भी देखते हैं हम लोग, इसकी क्या क्राइटेरिया मांगी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई है, ओवरसीज़ अकाउंट्स ऑपरेशन देखनी है, अकाउंट ऑपरेशन, हायरिंग अकाउंट स्टाफ एंड कंडक्ट परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, रिक्रूट एंड हायर अकाउंटिंग स्टाफ एंड कंडक्ट परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग फॉर न्यू हायर्स, ओवरसीज़ द सिस्टम ऑफ इंटरनल ओवरहेड्स। तो ये ड्यूटीज़ बताई गई है, पीरियडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है दोस्तों, एंड कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, बजट उसको रिव्यू करनी है दोस्तों, और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न को उसको कोऑर्डिनेट करनी है, और आपके दोस्तों आइडेंटिफाई करनी है और रिकमेंड करनी है, अपडेट करनी है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड प्रोसीड्योर्स की। तो इसमें स्किल्स जो मांगी है, मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी की स्किल्स होनी चाहिए, और दोस्तों एक्सीलेंट रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए, टैक्स प्रिपरेशन में एक्सपर्ट होनी चाहिए, और MS ऑफिस में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वो काफ़ी प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो इसमें एडुकेशन और एक्सपीरियंस मांगी है दोस्तों, बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग वाले लोग भी भर सकते हैं, और दोस्तों बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड वो लोग भी भर सकते हैं, 5 ईयर या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भर सकते हैं, और होनी चाहिए दोस्तों सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट डिजिग्नेशन, जो हाईली प्रीफर की जाएगी उनको, और क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट वाले लोग भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस मांगी है 3 से 6 साल, और रिपोर्ट करनी है ऑफिसर को। तो दोस्तों आप यहाँ से जाके अप्लाई फॉर दिस जॉब से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों और भी वैकेंसीज है देख सकते हैं आप लोग, मेंटेनेंस इंचार्ज की है और ड्रायर प्लांट के लिए। तो दोस्तों आप लोग इसको भरे, देखिए लोकेशन इसकी गुजरात बताई गई है, मेटल सेक्टर में वैकेंसी है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांगे गए हैं दोस्तों, सारी क्राइटेरिया देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई है, जो मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होनी चाहिए रोटेटिंग इक्विपमेंट की, कूलिंग टावर की मेंटेनेंस की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ पाइपिंग होनी चाहिए, पाइपिंग अपकीप स्पेसिफिकली फॉर कोरोसिव फ्लूइड्स में, बेल्ट एंड कन्वेयर चेन मेंटेनेंस की होनी चाहिए, बकेट एलिवेटर मेंटेनेंस की इसमें दोस्तों
काम करनी है और नॉलेज होनी चाहिए हेवी ड्यूटी फैन एंड ब्लोअर की, और दोस्तों गुड नॉलेज होनी चाहिए बैग फिलर मेंटेनेंस और ऑपरेशन की, यूटी क्रेन की ऑपरेशन मेंटेनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, और दोस्तों मस्ट हैव वर्कड इन शिफ्ट एंड गुड नॉलेज ऑफ स्पेयर्स प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन की, हाइड्रोलिक एंड कंप्रेशन की अगर नॉलेज हो तो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों सिलेक्शन में काफ़ी दोस्तों आपकी जो है पॉइंट बढ़ जाएगी। मॉनिटरिंग कंजम्पशन ऑफ स्पेयर आरएन बजट में नॉलेज होनी चाहिए, ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट प्रोक्योरमेंट और ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड एलिमिनेट वेस्टेज। तो दोस्तों ये सारी है बीटेक इसकी क्राइटेरिया मांगी गई है, बीटेक वाले लोग ज़रूर भरे दोस्तों, काफ़ी लोग दोस्तों ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों के पास ये जल्द इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँच सके और आप लोगों को पता चल सके कि दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत है दोस्तों, लेकिन इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती है दोस्तों काफ़ी लोगों तक। और मिनिमम एक्सपीरियंस लेवल इसमें 6 से 8 साल की मांगी गई है और रिपोर्ट करनी है जनरल मैनेजर को। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग एक्सपीरियंस मिनिमम 6 से 8 साल वाले लोग इसमें भर सकते हैं, अप्लाई फॉर यहाँ पे जाके दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं और वैकेंसीज है दोस्तों इंजीनियर हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट में, तो देखते 19 अप्रैल को पोस्टेड हुई है, लोकेशन आंध्र प्रदेश है, ऑर्गेनाइजेशन मेटल्स में इसमें वैकेंसी है। तो इसमें दोस्तों क्या होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए, बीटेक वाले लोग भी भर सकते हैं और दोस्तों या फिर बीएससी वाले लोग भी भर सकते हैं या फिर डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले लोग भी भर सकते हैं। 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेफ्टी नॉलेज ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस होनी चाहिए, आपकी कॉन्फाइंस स्पेस सारी कुछ की वर्केट हाइट ये सारी कुछ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी है बीटेक या डिप्लोमा लोग भर सकते हैं और दोस्तों इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 3 से 5 साल मांगी गई है और रिपोर्ट करनी है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को। तो दोस्तों और अप्लाई फॉर दिस जॉब पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों और एक देख सकते हैं आप वैकेंसीज, पीएफ टेक सर्विसेज डब्ल्यूसीएम सिस्टम में दोस्तों वैकेंसी है। तो दोस्तों इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में है, ऑर्गेनाइजेशनल है तो सीमेंट इंडस्ट्री में इसकी जॉब है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, इसमें और डिटेल इसमें, तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है। तो WCM implementation, ensure effective and proper implementation of WCM practices in order to the areas of quality, cost delivery, innovation, productivity। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले लोग भर सकते हैं इसमें या फिर जनरल डिप्लोमा, मिनिमम एक्सपीरियंस 5 से 10 साल इसमें मांगी है, तो आप लोग ज़रूर भरें, सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करनी है दोस्तों, तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे जाके आप लोग भर सकते हैं, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट। तो और एक वैकेंसी आई हुई देखते दोस्तों देख सकते हैं ये लेटेस्ट है, सेक्शनल हेड प्रोजेक्ट्स मैकेनिकल में अपडेट की हुई 6 अगस्त को निकल के आ रही है वैकेंसी, वेस्ट बंगाल इंडिया में ये वैकेंसी निकल के आ रही है। तो दोस्तों और इसमें देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो सुपरवाइज ऑल द प्लान्ड मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट डायरेक्शन, कमिशनिंग, मटेरियल हैंडलिंग, शेड्यूलिंग, सिक्वेशन एक्टिविटीज एज पर प्रोजेक्ट प्लान, स्पेयर्स, रिसोर्स और मैकेनिकल डायरेक्शन कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी कुछ आपको देखनी है। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंजीनियरिंग कैलकुलेशन प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पेरेटिव इंसुअर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन स्पेस मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल, ये सारे कुछ है इसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर दोस्तों। और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस लेवल 8 से 15 साल मांगी गई है, रिपोर्ट करनी है दोस्तों असिस्टेंट जनरल मैनेजर को, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और हम लोग देखते हैं इसमें वैकेंसी, तो डीएच है दोस्तों ईपीडी केमिकल में। तो और हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, तो दोस्तों असिस्टेंट एपीएम गुवाहाटी में इसमें आई हुई वैकेंसी, तो ये दोस्तों 18 अप्रैल को आई हुई है वैकेंसी। तो ये कर्नाटका में दोस्तों लोकेशन है और ऑर्गेनाइजेशन अपैरल्स की है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग देख सकते हैं, प्रिपेयरिंग वर्क शेड्यूल, रेगुलर साइट विजिट, मल्टीपल एंड रेगुलर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लाइक वीएम, डिज़ाइन टीम, लैंडलॉर्ड, फ्रेंचाइजी दोस्तों, आरबीडी टीम, मल्टीपल वेंडर्स आपको डील करनी है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपकी बताई गई है डेवलपिंग वेंडर्स एज पर फोरकास्टेड प्लान, आपको क्वालिटी में काम करने, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में काम करने, शेड्यूलिंग द कम्प्लीशन ऑफ वर्क फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई भी ग्रेजुएशन वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 से 7 साल मांगी गई है और रिपोर्ट करनी है डिप्यूटी मैनेजर को। तो अपैरल्स के सेक्टर में आदित्य बिरला की ये वैकेंसी है, तो आप लोग ज़रूर भरे दोस्तों अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो।
अदर वैकेंसीज देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों और एक वैकेंसी आई हुई देख सकते हैं आप लोग इंजीनियर की। दोस्तों लोकेशन इसकी गुजरात है, 26 अप्रैल को वैकेंसी आई हुई है, तो दोस्तों अभी भर सकते हैं आप लोग। ऑर्गेनाइजेशन पल्प एंड फाइबर में आई हुई है दोस्तों आदित्य बिरला की। तो इसमें दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लांट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में इसमें देखिए इंश्योरिंग प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एसेट फॉर बेटर प्लांट ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, स्पेयर्स की मेंटेनेंस करनी है, इन्वेंट्री को रिड्यूस डाउन टाइम करनी है, स्टेबल ऑपरेशन चलानी है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए ट्रबल शूटिंग एंड अपग्रेडेशन करनी है, मैन पावर की मैनेजमेंट करे सैप में काम करनी है, और दोस्तों सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट विद बीसी इंजीनियर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। ये सारी काम फॉलो एनडीटी शेड्यूल, एनडीटी की शेड्यूल फॉलो करनी है आपको ऑफ ऑल क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, और दोस्तों सपोर्ट ड्यूरिंग ऑल FRC ट्रायल्स इसमें डिलीवरी के समय, इम्प्रूविंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड मैन पावर रिसोर्स एलोकेशन एज पर ट्रायल्स। तो ये सारी काम करनी है आप लोग, देख ले डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर, रिकॉर्ड कीपिंग, लॉग बुक्स, रिपोर्ट, सारी काम करनी है। कॉस्ट में इसमें देख सकते हैं टाइमली एग्जीक्यूटिव ऑफ केपेक्स प्रोजेक्ट इसमें काम करनी है, केपेक्स में क्वालिफिकेशन अदर डिग्री कोई भी डिग्री वाले लोग इसमें भर सकते हैं, मिनिमम एक्सपीरियंस 1 से 3 साल इसकी मत बताई गई है, रिपोर्ट करनी है आपको दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर को। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसीज़ काफ़ी वैकेंसीज आई हुई है, तो आप लोग इसको ज़रूर भरें। देख सकते हैं आप लोग ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों यहाँ पे, ये 26 अप्रैल को ये भी वैकेंसीज आई है, और ये दोस्तों आप देख सकते हैं पल्प एंड फाइबर में है अपडेटेड 26 अप्रैल को उसमें अपडेट की गई है। तो दोस्तों इसमें भी फॉलो ऑल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई है, सेफ्टी पॉलिसीज ऑफ बिजनेस को फॉलो करनी है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कैलकुलेशन सच एज मटेरियल बैलेंस, हीट बैलेंस, पाइप साइजिंग, पंप हेड कैलकुलेशन, मॉनिटरिंग, ट्रायल प्लांट, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, तो कोऑर्डिनेशन विद ऑपरेशन टीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रायल प्लान। तो और दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स सच एस PFD, PID, इंटरलॉक लिस्ट, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, मेंटेनेंस, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग फाइबर्स एंड हाउसकीपिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी आपको इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अदर डिग्री क्वालिफिकेशन में अदर डिग्री मिनिमम एक्सपीरियंस लेवल 0 से 2 ईयर, इसको भरे आप लोग दोस्तों, काफ़ी अच्छी है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाती कि वैकेंसीज किस सेक्टर्स में है और लोगों को पता नहीं चल पाते। दोस्तों ये सारी वैकेंसीज आई हुई है, तो आप लोग दोस्तों भरे अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो दोस्तों। और दोस्तों कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।